श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीपद्मनाभ गुरवे नमः श्रीमते श्रीमुकुंद गुरवे नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। अद्यतन उपन्यासे पञ्चमपद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः। मायनै मण्णु वडमधुरै इति आद्य पद्येन भगवतः पररूपं दर्शितवती। तस्मै स्तुतिमपि समर्पितवती। अनन्तरं क्रमेण पद्यत्रयेण व्यूह विभव अन्तर्यामी रूपाण्यपि स्तुतानि सन्ति। इदानीं पञ्चमपद्ये अर्चामूर्तिनं स्तौति गोदादेवी। अर्चामूर्तिः अत्र तावत् कृष्ण एव। एवं संगतिः उच्यते। व्रतस्य कृते प्रवृत्ताः कोपकन्याः तासां नायकीं एवं पृच्छन्ति, यदा लोके शुभकार्याणि कर्तुं प्रवर्तन्ते तदैव विघ्नाः बहवः आयान्ति खलु। उच्यते च श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि, अश्रेयसि प्रवृत्ते तु कुत्र यान्ति विघातकाः। यदा महान्तः अपि प्रवर्तन्ते श्रेयांसि श्रेष्ठतमकार्याणि कर्तुं, तेषामपि विघ्नाः सम्भवन्ति। ते च विघ्नाः कथम् अश्रेयांसि अश्रेयसि कथं कुत्सिततमकार्याणि कर्तुं यतते कोऽपि जनः, तदा कुत्र पलायन्ते इति हि सुभाषितं। तद्वत् वयं तु बृहत्कार्यं कर्तुम् उद्युक्ताः स्मः, अस्माकं पापानि अपि बहूनि सन्ति। यदि तानि च पापानि विघ्नरूपं विघ्नान् उत्पादयन्ति किं कुर्मः। तदा गोदादेवी उक्तवती, गच्छन्तु मया सह, कृष्णमेव दर्शयित्वा दृष्ट्वा कृष्णमेव दृष्ट्वा प्रार्थयामः इति। यतोहि कृष्णस्तवनेन अस्माकं सर्वाण्यपि पापानि नश्यन्ति इति। पद्यं शृणुमः। आयनै मण्णवडमधुरै मैन्दनै तूयपेरुनीर्यमुनै तुरैवनै आयर्कुलत्तिनில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றடகும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோ ரெம்பாவாய். மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தனில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் வழக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலத் தூவித்தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோ ரெம்பாவாய். மாயனை ஆச்சரியச்சேஷ்டாவான் ஹி மாயன் சப்தேன வியவஹ்ரியதே. மாயன் இதம் ச
पदम बहु प्रयुक्तम भवति आयुवार महाभागभिः, महाभागैः बहु प्रयुक्तम कृतं भवति मायन, मायन मणिवन्नन ताल्पणियम मायने मधुसूदननै मायनार तृणन्मार्बं மாமாயன் என் மகளை மாயனை மாயவனை கண்டாள் என்று. இது பகு வர்த்தந்தே மாயன் சப்தஸ்ய பிரயோகாக திவ்ய பிரபந்தேஷு. மம மாயா துரத்யயா இது உக்தம் பகவதா ஏவம் தெய்வீஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்திதே மாயாவான் ஹி மாயன் சப்தேன ஸ்தூயதே. किं किं न कृतं महाभारते वा श्रीमद् रामायणेपि वा किं किं न कृतं भक्तान् प्रसादयितुम् अथवा भक्तानां मनांसि चोरयितुं. स च मायन् तं च मायनै तं मण्णु वडमधुरै मैन्दनै. मण्णु मण्णु इत्युक्ते बहु बहुकालं यत् स्थास्यति चिरकालं स्थास्यति यत् यशः तस्य उत्तरमधुरायाः यशः बहुकालं स्थास्यति इति मण्णु वडमधुरै. भगवत्सम्बन्धः तत्र वर्तते खलु. यद्यत् भगवत्सम्बन्धं याति तत्सर्वमपि चिरकालं तस्य यशः अपि चिरकालं स्थास्यति इति भावः. वामनावतारेपि भगवान् भगवान् तत्र तपः आचरितवान्. अत एव तस्य क्षेत्रस्य श्रेष्ठ्यं. मैन्दनै पुत्रं तत्र जातं पुत्रं. तूय पेरुनीर् यमुनै तुरैवनै. तूय पेरुनीर् नीर् पेरुनीर् तूय पेरुनीर् यमुनै यमुना नदी. पेरुनीर इत्युक्ते विशालरूपेण प्रवहंती नदी अपि च शुद्धं जलं वहति तत्र तस्यां. तूय पेरुनीर यमुने तुरैवने. यमुनायाः विशेषः वर्तन्ते. यदा वसुदेवः कृष्णं रक्षितुं गोकुलं प्रति गमनं कृतवान् कारागृहतः, तदा भगवतः चित्तं सम्यक् ज्ञात्वा यमुना स्वयमेव मार्गं दत्तवती. न गोदावरीवत्, श्रीमत् रामायणे तु गोदावरी भगवता पृष्टापि न किञ्चित् उक्तवती सीता कुत्र गता इति. अत एव यमुनायाः श्रेष्ठ्यं वर्तते इति. यमुनै तुरैवने तत्रैव खलु भगवतः खेलनम् आसीत्. यमुना साक्षिकं यौवनं युवानम् इति स्तुवन्ति वेदान्ताचार्याः. यमुना साक्षिकं यद्यद् जातं यद्यत् कृतं तत्सर्वं साक्षी भूत्वा दृष्टवती. यमुनैत्वरैवने कृष्णस्य तत्र विशेषतः स्थलम् आसीत् यत्र सः जले प्रवेशनं कृत्वा स्नानम् इत्यादिकं कृतवान्. पडित्तुरै इत्यपि उच्यते. नद्याः अथवा नद्यां प्रवेशनं कर्तुं तत्र तत्र शिलाः सम्यक् तेषां तासां तेषां स्थापनं कृत्वा जनानां सौकर्याय कृतं भवति. तद्वान् यमुनैत्वरैवने सः कः कः सः आयर्कुलत्तनिल् तोन्द्रम् अणिविलक्कै. आयर्कुलं गोपजनानां कुले भासमानं विद्यमानं अणिविलक्कु दीपः कुलदीपः.
தோன்றும் அணிவிளக்கு மணிவிளக்கு இத்தியபி பாட்டக வர்த்தத்தை அணிவிளக்கு இத்தியபி பாட்டக வர்த்தத்தை தஸ்ய கல்யாண குணகணைஹி சக பகு பாசத்தே இது பாவா. குலத்தினில் தோன்றும் தோன்றும் அத்த ஜன்ம பிராப்தவான் வா நைவ கலு மதுராயாஹேவ தஸ்ய ஜன்ம அபூத். அத்த தோன்றும் தர்ஷனம் ஆசீத். அதுவா எத்த ஸ்தன்யபானம் கிரியதே சிசுனா ததேவ ஜன்மஸ்தானம் ஸ்யாத் இத்யபி இத்யபி உச்யதே. பவது யதா கதஞ்சித் தோன்றும் அணிவிளக்கை தத்ர தர்ஷிதமாசீத் திருஷ்டமாசீத். அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் இதிஹி ஸ்துவந்தி மதுர கவி ஆழ்வார் மகாபாகாக. கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் தாமோதர விருத்தாந்தம் சர்வேபி வயம் ஜானிமஹ. இதா கிருஷ்ணம் குபிதவதி யசோதா தஸ்ய சேஷ்டாஹ சோடும் ந சக்னோதி ஸ்ம ததா தம் உருக்கலே பந்தனம் கர்த்தும் யதமான ஆசீத் ததா கிருஷ்ண ஏவ ஆத்மானம் ஆத்மனஹ பந்தனம் கர்த்தும் சாஹாயம் கிருத்தவான் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் சஹ அங்கீகிருத்தவான் ஏஷா மாம் பத்னாது இதி. தேன யசோதாயாஹ யசஹ ஔன்னத்யம் பிராப்னோது. அத்யாபி கீர்த்தனானி சந்தி கலு என்னதவம் செய்தனை யசோதா இதி. தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தாமோதரன் தாமோதரோ பூத்வா மாத்ரே யசஹ பிராபித்தவான் கிருஷ்ண. தூயோமாய் வந்து தூமலம் தூவி தூவிது தூயோமாய் வந்து சுத்ததா பகு முக்கிய பவதி. சுத்தி பூத்வா தேகஸ்ய கிருதே ஸ்நானஸ்ய ஸ்நானம் கர்த்தவ்யம் நிர்மலா பூத்வா பூஜாதிகம் கர்த்தவ்யம். தேகஸ்ய கிருதே ஸ்நானாதிகம் முக்கியம் பவதி. அந்தக்கண்ணஸ்ய கிருதே பகவதஹ நாம சங்கீர்த்தனம் ஏவ சோதன காரணம் பவதி. பஹிஷுத்தமபி ஆவசியகம் பவதி அந்தசுத்தமபி சுத்ததா அபி ஆவசியகம் பவதி. நிர்மலதா மனசி வாச்சி கர்மணி ச ஆவசியகம் பவதி. வந்து வந்து இத்யுக்தே ஆகத்ய சாமானியதஹ கத்வா சென்று இத்தியவ வக்தவ்யம். கிமர்த்தம் கோதாதேவி வந்து ஆகத்ய இது உக்தவதி. பகவதஹ ஸ்தானம் பிராப்ய தத்ர கத்வா இத்தியவ வக்தவ்யம் கலு. தரிஹி உச்சதே ஆச்சாரியைஹி ஸ்வஸ்யாஹ ஸ்தானம் ஸ்வஸ்ய ஸ்தானம் யதி கோபி ஜனஹ கச்சதி தரிஹி வந்து ஆகத்ய இத்திய வக்தவ்யம். குத்ராபி வர்த்தமானஹ
स्वस्य स्थानं प्रति गच्छति, तत्र आगत्य इत्येव व्यवहारः भवति। अस्माकं स्थानं भगवतः पादमूलम्, अत एव वन्द् वन्द् तूमलर् तूवि, शुद्धानि पुष्पाणि आनीय तैः अर्चनं कृत्वा। तूवि इत्युक्ते न सम्यक् रीत्या अलङ्कारस्य कृते वा अन्यस्य कृते वा समर्पणं न कुर्मः, किन्तु अतिभक्त्या तूवि विकीर्णं कृतवत्यः कुर्मः इति भावः। तुमल तूवि तुहुदु अञ्जलादि अञ्जलिं कृत्वा, अपि च साक्षात् कायव्यापारं कृत्वा तुहुदु अधो धरण्यां कायरूपेण वन्दनादीन् कृत्वा, वाजिनाल् पाडि नामसङ्कीर्तनं कृत्वा, मुखस्य प्रयोजनं तावत् भगवतः नामसङ्कीर्तनं कर्तुमेव, मनत्तिनाल् सिन्धिक्क मनसा ध्यात्वा, मनसा ध्यात्वा इत्युक्ते मनः अपि तस्मिन् कार्ये लयं प्राप्य, उल्लम् उरै सयल् उल्लयुम् मूण्डयुम् इति वदति षडकोपमुनिः तिरुवायुमुनि प्रबन्धे। करणत्रयमपि भगवतः पूजनार्थं समर्प्य तदा किं भवति, किं भविष्यति, एवं कृते अस्माभिः एवं कृते नैर्मल्यं प्राप्य भगवतः स्थानं प्राप्य कुसुमैः तस्य अर्चनादिकं कृत्वा वन्दनं कृत्वा नामसङ्कीर्तनं करिष्यामश्चेत् कुर्मश्चेत् किं भवति, पोयपुळ्यं पुगुतरुवा निन्द्रणवम्, यानि पापानि क्रियन्ते अस्माभिः तानि सञ्चितं प्रारब्धम् आगामि इति विभज्यन्ते। सञ्चितं तावत् एतावत्पर्यन्तं यत् सञ्चितं यत् कृतं तेषां सञ्चयः, प्रारब्धं सञ्चितकर्मसु यत् अस्य जन्मनः कारणं भवति अथवा आगामिनि आगामिषु अस्य जन्मनः कारणं भवति अथवा जन्मान्तराणामपि कारणं भवेत्। प्रारब्धम् इति सञ्चितकर्मणः भागविशेषः, तदनन्तरम् आगामिकर्म इति क्रियमाणं भवति, अनन्तरं तदेव सञ्चितकर्म इति व्यवह्रियते। चक्रवत् एतद् भवति, पूर्वं यत् पूर्वमेव कृतानि भवन्ति तेभ्यः किञ्चित् पक्वस्थितिं यान्ति, अनुभवितुं योग्यानि भवन्ति, तदर्थमेव जन्म भवति। तस्मिन् कर्मणि अनुभूयमाने सति क्रियमाणानि पापानि आगामि इति भवन्ति, तदेव सञ्चितकर्म सम्यां लभते अनन्तरम् इति। इदानीं पोयपुगेयं पुगुदर्वान् निन्द्रणवं, पापत्रयमपि नश्यन्ति, भगवतः ज्ञानलाभानन्तरम् आत्मनः स्वरूपलाभानन्तरम् एव
एतत् सर्वं भवति उपायस्य अनुष्ठानं कर्तव्यं तदनन्तरं भक्तियोगं वा भक्तियोगस्य उन्नतस्थितिः यदा प्राप्नोति भक्तियोगनिष्ठः दर्शनसमानाकारः इति उच्यते तस्य प्रापालनन्तरं भक्तियोगनिष्ठस्य कर्माणि नश्यन्ति सञ्चितकर्म एवम् आगामिकर्म नश्यन्ति प्रपन्नस्य यदा प्रपथ्यराख्य उपायः अनुष्ठीयते तदैव प्रपत्त्यनुष्ठानक्षणान्तरे एव तस्य सञ्चित एवम् आगामि पापानि नश्यन्ति इति भावः इति हि अर्थः तीयिनिल् तूसागं सेप्पेदो अग्नौ भस्मभस्मी भवन्ति इति भावः सेप्पेलो रम्भावे तदर्थं तस्य नामसङ्कीर्तनं कुरु कुर्मः इति पद्यस्य अर्थः दामोदरन् तस्य स्वारस्यमेकं वर्तते एकं भवति स्वारस्यद्वयं वदामः एकं भवति कृष्णः यदा लीलाः कृतवान् आसीत् यमुनानद्याः तीरे तस्य उदरे विद्यमानं लिङ्गं यशोदया बन्धनं कृतं तेन बन्धनेन तस्य उदरप्रदेशे लिङ्गं जातं दाम्नः संश्लेषेण मार्क् जातं तद् सर्वेपि तद्दृष्ट्वा प्रहसनं कृतवन्तः हसितवन्तः कृष्णाय तन्नैव रोचते स्म अत एव कृष्णः बहु सावधानेन वस्त्रेण तत् आच्छादितवान् इति तदेकम् अन्यत् यत् अस्ति पराशरभट्टार्यः एवम् उक्तवन्तः किमर्थं भगवान् तस्य उदरप्रदेशे दाम्ना कृतं तत् लिङ्गम् अडयालम् इति वदन्ति तमिळ्भाषायां तत् वहति इति भागवताः भगवतः शङ्खचक्राख्य चिह्नं वहन्ति खलु भुजयोः किमर्थं भगवतः दासभूताः वयम् इति सूचयितं तद्वत् भागवतानां दासभूतः अहम् इति प्रदर्शयितुं भगवान् तच्चिह्नं वहति उदरप्रदेशे उदरभागे इति समाधानम् उक्तवन्तः पराशरभट्टार्यः इति दृश्यते पुस्तके अस्तु माजने मन्नवडमुदुरै इति पद्यस्य अर्थं श्रुतवन्तः वयम् अनन्तरम् उल्लुं सिलम्बिनकान् इति पद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः अग्रिम रेकार्डिङ्ग् मध्ये धन्यवादाः श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः